गाइस आज हम रोस्ट करने वाले हैं महेश टैटू वाले को। और यहाँ पर जो भाई है ना, टैटू तो बनाते हैं लेकिन भाई जो पोज यहाँ पर अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ बॉयफ्रेंड करते हैं वो पोज यहाँ पर करते हुए टैटू बनाते हैं। हाँ भाई तू करता ही होगा ना अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वेंटिलेंड, इतना तो शरीफ नहीं होगा भाई तू। हाँ तो देखते हैं पोज को, किस पोज में वो बनाता है टैटू। बिग बॉस के अरमान मलिक के जैसे दो रियल बीवी है, वैसे ही मेरे लाइफ में भी लोग कमेंट करते हैं वीडियो के नीचे जब भी मुक्ता का वीडियो आता है, पर सच में बोलूं तो ऐसा कुछ भी नहीं, हम लोग अच्छे दोस्त हैं, मतलब एकदम लंगोटी दोस्त है गाइस। लंगोटी दोस्त उसको बोलते हैं जब हम छोटू होते हैं तब हम लंगोटी दोस्त होते हैं, एक ही चट्टी, लेकिन अगर हम जब बड़े हो जाते हैं तब हम लंगोटी दोस्त नहीं रह सकते, तब कुछ और ही हो जाता है। बेटी चोद के करके उसको मेरे पे बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, और सेकंड मतलब मेरे को जैसी चाहिए वैसी बीवी मुझे मिलेगी, इसलिए मैं कभी सोचूंगा भी नहीं कि मैं अरमान मलिक बनूंगा। ए मोहेश भाई, भाई तू इतना मुक्ता मुक्ता मत करा कर, वरना तेरी तो शादी भी हो गई भाई, तेरे को शादी से मुक्ति मिल जाएगी अगर ये सब मुक्ता के साथ करेगा, गाड़ी टेढ़ी हर जगह पे हाथ लगाएगा तो। परिवार का नाम बुरा दिया है ये आदमी, लगता है टैटू आर्टिस्ट बनना पड़ेगा, समय आ गया है। ये बेशरम कुमार भाई, मैं तो हूँ ही बेशरम कुमार, लेकिन अब हम जाते इनके कैमरामैन के पास, सबसे बड़ा रोल तो वही निभा रहा है, वही तो ला रहा है ये सब शूट करके। हाँ मचुक वैसे पुणे से नहीं, आज जो मैम जो टैटू बनने वाली गई वो बहुत ब्यूटीफुल टैटू। अच्छा भाई कोई गंडुआ मैंने नहीं रखा भाई वीडियो बनाने के लिए, वरना वो भी गांडू को पहने का लोड़ा ऐसे मुंह का ही शूट लेना, लेकिन वो इधर गैंड में चला जाता, गैंड में ऐसे क्या बोलूँ मैं, ऐसा वैसा गांडू नहीं चाहिए मेरे को भाई, मैं खुद ऐसे रख लूंगा स्टैंड पर, हो जाएगा मेरा। बहुत एक्साइटेड दूंगी मैम का ये फर्स्ट रिजल्ट, मैम थोड़ा सा लिटिल बिट नर्वस भी दूंगी, मैम को लगा कि शायद टैटू में दर्द होता है, और फाइनल जब मैं टैटू स्टार्ट करता था कि मैम को बिल्कुल प्रॉपर अच्छे से आउटलाइन कर रहा गाइस, क्योंकि मैम ने जो फ्लावर लिया गया वो बहुत सिंपल और भाई कैमरामैन तो ठीक है, लेकिन जो महेश भाई है वो बड़े और खतरनाक है भाई, वो टैटू बनाते हैं ना भाई पूरा फुल बॉडी दिखा देते हैं, लेकिन हम जहाँ तक कि भाई जिस चीज का हम टैटू बना रहे हैं उस चीज में जूम कर सकते हैं, ऐसा है यहाँ पर जूम करने का ऑप्शन आता है फोन में, लेकिन नहीं, लेकिन इनको सब कुछ दिखाना है। हाँ सब कुछ सब कुछ। बेशरम कुमार परिवार का नाम बुरा दिया है ये आदमी, नाम तो बुरा ही दिया है भाई, नाम भी ऐसा ही है ना इसका, महेश। हाँ महेश दल्ले, हाँ वो वाला ही महेश भाई, महेश नाम के सारे बंदे ऐसे ही होते हैं क्या। महेश दल्ले बेड़ा गले बाप तेरा नल्ला है, लोड़ा हुक्का मेरा ममता मेरी चल्ला है, ममता नंगी लेटी बाप। लेकिन यार मेरा एक सवाल है सभी लोगों से कि भाई सब लोग टैटू बनवा रहे, कोई यहाँ टैटू बनवा रहा, यहाँ टैटू, यहाँ सब जगह टैटू बना रहे भाई, पैर में देखो, गेंद में देखो, सब में, पर भाई कोई लौड़े पे टैटू क्यों नहीं बनवा रहा भाई, क्यों क्यों नहीं बनवा रहा भाई, उस पे भी बनाओ ना भाई, क्यों नहीं बना रहा भाई। बेटी चोद के तारे पिछवाड़े में तो धुआं निकल जा, तो साला बहुत नीच आदमी रे भाई। तुम लोगों ने देखा होगा कि अक्सर सारे दोस्त एक साथ मिलते हैं तो फिर हमेशा यही बात मजाक मस्ती में बोलते रहते हैं कि भाई मुंह में लंड ले ले। हाँ भाई एक बंदा मैंने देखा है जो कि महेश भाई के यहीं आया है, हाँ वो अपने जीवन में लेके घूमता है भाई वो सारी चीजें, भले असली नहीं लेकिन लेके तो घूमता है ना भाई को। एक टंग पेसिंग भाई ने बहुत टाइम से प्लान किया था कि टंग पेसिंग करना है, एंड फाइनली एक सेकंड के अंदर प्रिकदन भाई की जो ज्वेलरी मैं आपको दिखाने वाला गाइस, ये देखो आप खुद देखो, आप भी हैरान हो जाओगे कि ऐसा ज्वेलरी का शेप ऐसा क्यों है। तो यहाँ पे जो ज्वेलरी गाइस वो हम लोगों ने टंग के अंदर अच्छे से फिट कर देने, भाई का जो पियर्सिंग गाइस वो कंप्लीट हो चुका गाइस, तो भाई का ये पियर्सिंग का भाई कैसे कैसे लोग रहते हैं भाई, अगर भाई इसको कोई बोले भाई मुंह में ले ले तो भाई ये तो पहले से ही लेके घूमता है, हाँ और फिर ऊपर से ऐसे भी कर रहा है। इसकी वजह से मैम भी अपनी चेज पे बना रही है, ओवरऑल देखा तो मैम तो बहुत एक्साइटेड थी टैटू बनाने के लिए, क्योंकि उनका आज सपना पूरा हुआ। सेकंड मतलब यहाँ पे देखो तो गाइस मैम ने अपने सीने पे लिखा फ्री और उसके आगे उन्होंने बर्ड बना रहे गाइस, ओवरऑल देखा तो ये डिजाइन बहुत सिंपल और क्यूट डिजाइन है, मोस्टली लेडीज लोगों को बहुत पसंद आती है। ओवरऑल देखा तो यहाँ पे प्रॉपर अच्छे से व्हाइट और फिनिशिंग करा गया जिससे टैटू को और ज्यादा शार्पनेस है गाइस, तो फाइनली ये मैम का क्यूट सा टैटू कंप्लीट हो चुका है। सो ये टैटू मैं क्या बोलूं, क्या बोलूं, क्या भाई मेरे पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, लेकिन मैं भाई अपने जो
दस वाला डेटोल आता, हाँ पैसे नहीं इसलिए दस वाला यूज कर अभी। हाँ मेरे को दस वाला डेटोल आता है, उससे धोखे हैं जबान धोखे हैं, इसलिए कुछ बोल नहीं रहा हूँ। नहीं तो जाके देख लो लाइव में कितनी गालियां देता हूँ, एकदम पीएचडी कर रखे तुम्हारे भाई ने गाली देने में। हाँ भाई एक मतलब सपना होता है भाई, लोगों का क्या सपना होता है कि भाई पुलिस बनूंगा, आर्मी बनूंगा, देश की रक्षा करूंगा, हाँ ये सब कुछ करूंगा भाई। जिसका जो सपना होता है वो सब कुछ करता है, अपने सपनों पे काम करता है। लेकिन भाई लोगों का क्या सपना है, मैं टैटू बनवाऊंगा भाई। अभी टैटू बनवाना तो बनवाओ, तुम्हारी मर्जी, जहां बनवाना वहां बनवाओ। लेकिन भाई ऐसे तो मत करो कि मतलब तुम टैटू बनवा रहे हो कि हाँ उस चीज का तो वीडियो लो, लेकिन जूम करके ले लो, लेना हो तो जूम करके ले लो। ऐसा कोई गलत चीज का वीडियो मत बनाओ कि ऐसे सब जगह डालो। भाई बनाना है तो खुद ही पर्सनली खुद ही रखो अपने वीडियो, खुद ने बना के रखा है। नहीं भाई इधर तो एकदम खतरनाक भाई, पूरा बहुत ही दूर से शूट करेंगे, जूम करते करते भाई बताएंगे क्योंकि भाई टैटू बना है भाई, बहुत खतरनाक। ठीक है तो भाई ऐसे जो ऐसी ऐसी जगह होती है, ऐसी ऐसी जगह का वीडियो ना बनाए, और ऐसी वीडियो तो क्या ही बनाए जब हम टैटू बनवाए ऐसे पर्सनल पार्ट्स पे। भाई बोला कि बिग बॉस की जो वड़ा पाव गर्ल है वो मेरे लिए गुरु है, इसकी वजह से मुझे परमानेंट टैटू चाहिए, वो भी हाथ पे। भाई को जब मैंने पूछा कि क्यों बनाया, तो भाई ने मुझे बोला कि 6 महीने पहले मेरे पास जॉब नहीं था, मतलब मैं जॉबलेस था, पर इनके सारे सोशल मीडिया पे वीडियो देखे जो कि वड़ा पाव गर्ल के नाम से बहुत ज्यादा कॉन्ट्रोवर्सी हो रही थी, यानी उनका धंधा बहुत ज्यादा अच्छा चल रहा था, तो मुझे ऐसा लगा क्यों ना मैं वड़ा पाव का स्टॉल चालू करूं। इसलिए भाई वड़ा पाव गर्ल को अपना गुरु मानता है। भाई बोल रहा है कि बिग बॉस में वही जीत के आएगी, इसकी वजह से भाई ये टैटू बना रखा है, एंड फाइनली वड़ा पाव गर्ल का टैटू कंप्लीट हो चुका है। भाई तू भले उसको गुरु मानता है लेकिन मैं तेरे को ठरकी मानता हूँ। लेकिन भाई जो भी बोल, वो जो सक्सेस हुई भाई वो वड़ा पाव बना के सक्सेस हुई, तेल में वड़ा पाव डाल के बना के सक्सेस हुई भाई। तो उसके तू वड़ा पाव का भी फोटो बनवा, मिर्ची का भी फोटो बनवा, कढ़ाई का भी फोटो बनवा, हर एक चीज का जो उसका जो दुकान है उसका भी फोटो बनवा भाई। तो वो सब कुछ क्यों नहीं करवा रहा है भाई, पर वो बिग बॉस में हार गई है। बहुत मादर चोत लौंडा है। तो हाय गाइस, मैं हूँ नागपुर का ढोली चाय वाला, और मैं हूँ दिल्ली की वड़ा पाव गर्ल। मैं आज हूँ दिल्ली में, और दिल्ली में मैंने बहुत नाम सुना हो कि दिल्ली का वड़ा पाव की जो दीदी जो काम करती है, वड़ा पाव जो आप लोगों को खिलाती है, कितनी मेहनत करके आगे बढ़ी है, क्योंकि ये दीदी का जो काम है और जो मेरा काम है, दिन भर खड़ा रहता हूँ तो उनको चाय पिलाता हूँ, और ये अपनी मेहनत से बने हम लोग। मतलब एक ही वीडियो के अंदर दोनों ने मिलकर 10 झूठ बोल दिए, क्या बोलूं मैं भाई। तू भाई उससे फेमस हुआ है 1 कप चाय, हाँ उससे है, और भाई ये उससे रोने से, आंसुओं से, ऐसे चिल्ला चिल्ला के पटक पटक के रोने से ये फेमस हुई है भाई। कोई मेहनत मेहनत नहीं है, हाँ बकचोदी है, होती आ पाए तुम लोगों को। थैंक यू। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मजा आया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही वीडियो बनाने वाले को तुम भी 4-5 गालियां जरूर दे कमेंट में बॉक्स में जाकर, और क्यूटीज लोग फटाक से कमेंट और लाइक भी मार दो। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय। मुझे पिंक चाहिए, पिंक चाहिए।